गीता विज्ञान और उपनिषद की कृति का विमोचन समारोह में हमारे बीच में भारत के प्रधान न्यायाधीश माननीय श्री एन वी रमन्ना जी। मुझे खुशी है कि आज राजस्थान पत्रिका के प्रधान संपादक गुलाब कोठारी जी की लिखी ये ग्रंथ, जो हमारी पुरातत्व संस्कृति की झलक भी है, उसका धर्म की झलक भी है, और वर्तमान भविष्य के अंदर व्यक्ति को जीने की राह बताने का भी एक ग्रंथ है। और आज विशेष इसलिए भी है कि इसका विमोचन रमन्ना साहब ने किया, गीता और न्याय का एक बड़ा नज़दीक का संबंध है, और उन्होंने देश के अंदर एक सामान्य व्यक्ति को भी न्याय मिले, सस्ता सुलभ न्याय हो, उसके लिए एक व्यापक प्रयास किए गए, और जो निश्चित रूप से अपने ज्ञान अनुभव के माध्यम से उन्होंने समाज के अंतिम तबके का विश्वास जगाया, और जो आध्यात्म और गीता के प्रति जिनका अद्भुत ज्ञान है, उनके हाथों से आज इस कृति का विमोचन होता है। और इसके लिए मैं विशेष रूप से गुलाब कोठारी जी, उनके पत्रिका परिवार को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, जिन्होंने वेद विज्ञान को जन साधारण के सामने सरल भाषा के लाने का प्रयास किया। राजस्थान पत्रिका के संस्थापक श्रद्धेय कपूरचंद कुलिस जी ने इसकी एक शुरुआत की थी, और जिस काम को गुलाब जी भाई साहब आगे बढ़ा रहे हैं। गुलाब जी भाई साहब के बारे में जितना कहो उतना कम है, लेकिन मुझे तो बहुत स्नेह प्यार आशीर्वाद उनका हमेशा रहा है। जब भी मैं जाता हूँ, मैं देखता हूँ कि ऑफिस के अंदर संस्कृत जानने वाले बड़े बड़े विद्वान, और उनके साथ लगातार संवाद चर्चा, वेद पर लगातार चर्चा संवाद, और केवल एक जनून कि हम इस वेद विज्ञान और को किस तरीके से आने वाली पीढ़ी को सरल भाषा में सिखाएं, ताकि उनकी जिंदगी की जीने की राह सही हो। और इसीलिए इस कालजयी रचना गीता को वैज्ञानिक दृष्टिकोण देने का काम किया है। और सही मानने में हम ये देखें तो गीता एवं वेद और विज्ञान हमारी वर्तमान पीढ़ी को भी, भविष्य की पीढ़ी को भी एक नई रास्ता बताने का काम करती है। ये बात सही है कि जब आप बड़े विद्वानों के सामने बैठेंगे, चर्चा करेंगे, तो वेदों के गूढ़ रहस्य को समझना बहुत कठिन है, विशेष रूप से हमारी पीढ़ी और भविष्य की पीढ़ी के लिए। तो लेकिन गुलाब जी भाई साहब ने उसी वेद विज्ञान और गीता को वर्तमान पीढ़ी को भी और आने वाली भविष्य की पीढ़ी को भी कि वह वेद विज्ञान को ठीक से पढ़ें, सरल भाषा में पढ़ें, सामान्य भाषा में पढ़ें, और उसके जीवन में उसको आत्मसात करें। इस भागीरथ प्रयास के लिए मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। वेद विज्ञान एवं शोध संस्थान के माध्यम से
उन्होंने लगातार इसका रिसर्च किया, अध्ययन किया। संस्कृत को भी सरल भाषा के अंदर खुद स्वयं सीखे और फिर समाज को देने का काम किया। और इसीलिए उनका ये कृति हम सबको एक नई दिशा देगी, हमारे जीवन मूल्यों को स्थापित करने की दिशा देगी, और साथ में ही वर्तमान नैतिक और सांस्कृतिक मूल्यों में आने वाली गिरावट के लिए हमें सचेत करने का काम करेगी। गुलाब जी भाई साहब जनता से सीधे जुड़े रहते हैं, एक पत्रकार हैं, लेकिन जनता से लगातार समाज सेतु द्वारा संपर्क, और समाज सेतु द्वारा भी दूर दराज इलाके के अंदर जनता से किस सीधी चर्चा करना, जनप्रतिनिधि करना, समाज के अलग अलग क्षेत्रों से चर्चा करना, और उसके साथ साथ आने वाली पीढ़ी को समय समय पर दिशा बोध के माध्यम से गीता, वेद, विज्ञान के बारे में नई पीढ़ी को बताने का काम किया। और इसीलिए जब कभी स्कूल कॉलेज के अंदर जाते हैं तो उनकी इच्छा रहती है कि आने वाली पीढ़ी भी इस वेद के बारे में, गीता के बारे में, उसका वैज्ञानिक दृष्टिकोण के बारे में जाने कि ये सब हमसे जुड़े हुए हैं। और इसीलिए हम जब देखते हैं कि गीता के वैज्ञानिक दृष्टिकोण, ऐसे व्यक्ति कितना गीता को जितना पढ़ेगा, जितना आत्मसात करेगा, वो उसके पूरे ज्ञान को तो कभी प्राप्त नहीं कर सकता। और इसीलिए लेकिन जिंदगी के अंदर कभी भी कुछ भी क्षण फुर्सत के मिले तो गीता को जरूर पढ़ना चाहिए ताकि हमारा रास्ता सरल हो जाए, ये एक आवश्यक चीज़ है। जब हम गीता की बात करते हैं तो गीता में श्री कृष्ण भगवान के निष्काम कर्मयोग की बात जरूर करना चाहिए। यहाँ हमारे बीच में न्यायाधीश भी बैठे हैं, राजनीति क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में काम करने वाले लोग भी बैठे हैं, अलग अलग क्षेत्र के अंदर, समाज के अंदर काम करने वाले कर्म के क्षेत्र में भी बैठे हैं। और हमें जब निष्काम कर्म योग को जितना हम पढ़ते हैं, हमें लगता है कि हम हमारे कर्म में, जब व्यक्ति बिना फल की इच्छा के कर्म करेगा तो कभी भी व्यक्ति व्यतीत नहीं होगा और कभी भी जिंदगी के अंदर भटकेगा नहीं। और इसीलिए हम इस दृष्टि से कर्म करें कि कर्म करना हमारा दायित्व है, कर्म हमारा कर्तव्य है, और ये मुझे करना ही है, चाहे मुझे इसका परिणाम मिले न मिले, लेकिन मुझे इस मनुष्य दिन में अगर मुझे बुद्धि ज्ञान दिया है तो बुद्धि ज्ञान का उपयोग करके, कर्म करके, मैं समाज के जीवन में खुद का भी और समाज जीवन को बदल सकता हूँ, ये मेरा दायित्व है, तो शायद वह उस फल न मिलने के बाद कभी विचलित नहीं होगा और उसका धैर्य कभी नहीं टूटेगा। लेकिन ये बहुत कई बार जब चर्चा करते हैं कि निष्काम कर्म की, तो लोग कहते हैं कि जब फल नहीं तो कर्म क्यों, इसकी एक लंबी डिबेट है। लेकिन जब निष्काम फल कर्म को पढ़ते हैं तो हमें लगता है कि सही रास्ता यही है, और सही रास्ते को अपनाना ये गीता के ज्ञान में ही संभव है। इसलिए जो निष्काम कर्म से काम करेगा निश्चित रूप से उसको सफलता मिलेगी, और असफलता मिलेगी तो भी वे मान करके मेरा कर्म था, इस मैंने किया, फल मिला ना मिला। इसलिए गीता हमारे जीवन को सन्मार्ग को दिखाती है, और इसीलिए व्यक्ति के जीवन में आंतरिक रूप से जितना ज्ञान अपने को जानने में लगाएगा,
उतना ही व्यक्ति आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त कर कभी तनाव विचलित की ओर नहीं जाएगा। और इसीलिए इसके अलग अलग दृष्टिकोण, गुलाब जी भाई साहब ने इसके वैज्ञानिक दृष्टिकोण के माध्यम से इस किताब में बताया है। ऐसे इस किताब को पढ़ेंगे तो जब लगेगा कि प्राणी के अंदर शरीर, मन, बुद्धि, आत्मा, इन चारों घटकों को मिलकर एक मानव बना है, लेकिन हमें जब मनुष्य जीवन मिला है तो हमें निश्चित रूप से गीता के इस किताब को पढ़कर हमारे जीवन में नई चेतना आएगी, नई ऊर्जा का संचार होगा और हमें काम करने की नई ऊर्जा मिलेगी। और इसीलिए गीता के सार में जब जितना हम पढ़ते हैं, हम सत्य की ओर बढ़ते हैं, हम धर्म की ओर बढ़ते हैं। और इसीलिए जब कृष्ण भगवान ने अर्जुन जी को उपदेश दिया था, उस समय कहा था कि सत्य यही है और जब कभी आवश्यकता पड़ती है तो धर्म के लिए हमें युद्ध करना पड़ता है ताकि अधर्म खत्म हो, असत्य खत्म हो। इसलिए गीता हमारे जीवन में नैतिकता, सत्य और धर्म की ओर चलने की प्रेरणा देती है। इसलिए मुझे लगता है कि गीता में जितना हम पढ़ें, चाहे भक्ति पढ़ें, चाहे ज्ञान योग पढ़ें, चाहे कर्म योग पढ़ें, जितना हम पढ़ेंगे, भक्ति हो तो कैसी हो, कितना समर्पण हो, भक्ति में जितना समर्पण होता है उतनी व्यक्ति में शक्ति आती है। और ज्ञान जब मनुष्य जीवन मिला है तो इस मनुष्य जीवन को हम जन्म से लेकर अभी तक देखें तो ज्ञान के कारण ही मनुष्य आज कहाँ से कहाँ पहुँचा है और बिना ज्ञान के नहीं पहुँचा है। इसलिए दुनिया के अंदर कई देशों ने भौतिक प्रगति तो बहुत कर ली होगी, विज्ञान की प्रगति भी बहुत कर ली है, लेकिन उनने आध्यात्मिक और धर्म की प्रगति नहीं की। इसलिए वहाँ पर तनाव अवसाद है और उस तनाव अवसाद करने के लिए भारत की धरती पर आते हैं, क्योंकि भारत के धर्म में धर्म और संस्कृति संस्कार है, इसलिए दुनिया के लोग यहाँ पर आते हैं। और यही हमारा हम गर्व के साथ कह सकते हैं कि दुनिया ने के अंदर भारत ने जहाँ भौतिक संसाधन विज्ञान की तरक्की की है, वहीं हमने हमारी संस्कृति और संस्कारों को भी जीवंत रखा है। ये बात सही है कि हमारी संस्कृति को बहुत विदेशी एकांताओं ने बहुत नष्ट करने की कोशिश की, लेकिन हमारे पूर्वजों ने, हमारे साधु श्रद्धा संतों ने हमारे वेद विज्ञान, रामायण, गीता, महाभारत, इन सब के लिखने वालों ने समय समय पर इस धरती पर हमारी संस्कृति को बचा के रखा, हमारे धर्म को बचा के रखा। ऐसे सभी मनुष्यों के कारण आज दुनिया के अंदर भारत धर्म और संस्कृति की स्थली है। धर्म की व्याख्या करना बहुत मुश्किल है, लेकिन धर्म हमेशा किसी भी व्यक्ति को कष्ट पहुंचाने के लिए नहीं होता। हमेशा धर्म सत्य के मार्ग पर चलें, सद्गुण करें, हमारे कार्य से, हमारे व्यवहार से किसी को कष्ट न पहुंचे, ये हर धर्म की यही दिशा है। और इसीलिए धर्म की जितनी व्याख्या की जाए कम की जाए, क्योंकि मैं वैज्ञानिक नहीं हूँ, लेकिन मैं विद्वान भी नहीं हूँ, लेकिन मैं कह सकता हूँ कि धर्म और संस्कृति जब संविधान निर्माताओं ने संविधान बनाया था तो आप उसके अंदर संविधान के अंदर देखेंगे तो उन्होंने धर्म के आधार पर संविधान का निर्माण कराया। और जब आप पार्लियामेंट के अंदर जाएंगे तो उनके एक एक श्लोक को पढ़ेंगे तो हर श्लोक आपको आज भी उस समय बनाने वाले संसद जो अंग्रेजों के समान बनी थी, लेकिन उनको याद था कि अगर व्यक्ति जीवन के अंदर कर्म करते हुए सत्य के मार्ग पर चलेगा तो ही हम मानव का कल्याण कर सकते हैं। इसलिए उन श्लोकों को देखकर आज भी संसद में हमें प्रेरणा मिलती है। और मैं सोचता हूँ कि संविधान की रक्षा करना
हमारा काम है, माननीय प्रधान न्यायाधीश जी संविधान की रक्षा कर रहे हैं और संविधान आज भी हमारा मार्गदर्शन है और आज भी हमें शक्ति देता है, लेकिन शक्ति के ज़्यादा से ज़्यादा आज हमें कर्तव्य ड्यूटी के वो हमें प्रेरित करता है कि आज हमारी 75 साल बाद आज़ादी के बाद हमारी कर्तव्य ड्यूटी है कि देश के लिए हम भी कुछ करें। और इसको करने के लिए कहीं ना कहीं गीता हमारे को सन्मार्ग के और सही दिशा की ओर ले जाने का काम करती है। मुझे आशा है गुलाब जी भाई साहब ने बहुत सारी किताबें लिखी हैं, बहुत लेख लिखे हैं, अभिलेख लिखे हैं, और जब कभी आप उनको नज़दीक से देखेंगे तो चाहे समाज जीवन के अंदर हो, चाहे राजनीतिक क्षेत्र में हो, चाहे सामाजिक क्षेत्र में हो, चाहे वेद के अंदर हो, चाहे संस्कृत के अंदर हो, एक बहुआयामी है उनका। वो जब लिखने लगते हैं तो मैं कई बार देखता हूँ कि पन्ने टेबल पर लिखते हुए एक साथ 10 घंटे तक लगातार लिखना, ऐसा मेरे लेखक मैंने व्यक्तिगत रूप से नहीं देखा, जिसने जीवन के दर्शन के हर क्षेत्र में लिखा है। समाज के उस अंतिम व्यक्ति के को अधिकार मिले, उसको न्याय मिले, उसके लिए भी लिखा है, सामाजिक पहलुओं पर भी लिखा है कि किस तरीके से सामाजिक आंदोलन से हम समाज देश को बदल सकते हैं, और उसके साथ साथ उन्होंने गीता वेद और गीता और वेद को किस तरीके से वैज्ञानिक दृष्टि से आने वाली पीढ़ी इसको पढ़े, उनकी निश्चित लिखी हुई किताब हम सबको हमेशा नई प्रेरणा देती रहती है। व्यक्ति जीवन में रहे न रहे, उनके लिखे हुए लेख हमेशा समाज को प्रेरणा दिशा देते रहते हैं। मैं इस मौके पर गुलाब कोठारी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। विशेष रूप से मेरे आग्रह पर माननीय प्रधान न्यायाधीश जी ऐसे आते नहीं हैं, मैंने उनको आग्रह किया, वो यहाँ पधारे, उनको विशेष रूप से बहुत बहुत धन्यवाद।